हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैशनी टीवी। मेरा नाम रीना है। मेरी एक और रिएक्शन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो मेरे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। अंशु का लास्ट व्लॉग वही था जिस दिन अंशु के पेरेंट्स उसको लेकर गए थे। उसके बाद से अंशु ने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। लेकिन अब जब अंशु का व्लॉग आया ना, तो उस व्लॉग को देखने के बाद भी कुछ लोग हैं जो अब भी कमेंट कर रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि अंशु चेंज हो चुकी है, क्योंकि अंशु ने जो व्लॉग बनाया ना, उसमें एक बार भी सपना का नाम नहीं लिया था। उसने बताया है कि पिछले 11 दिनों में छोटी छोटी जो भी क्लिप्स उससे जुड़ी गई है या जो उसने ली है, वही करके एक व्लॉग बना दिया। अभी तक उसको पता नहीं है कैसे क्या शूट करें। नई चीज़ें हैं, नया माहौल है। इतने सालों से वो रह रही थी सपना के पास, और अचानक से अपने पेरेंट्स के पास जाना, वहाँ पर भी एकदम से मन नहीं लगेगा। वो इतनी ज़्यादा अटैच थी सपना से। दूसरा, मिड टर्म के अंदर वो स्कूल छोड़ के गई है। नया दोस्त, नए स्कूल, नया इन्वायरमेंट, नए टीचर, और ऊपर से उसने बताया कि सब्जेक्ट भी सेम नहीं मिल रहे जिस पढ़ाई के लिए वो उनके पास रह रही थी। आज उन्होंने उसको निकाल दिया, निकाला ही है। वो अपनी मर्जी से नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर जो उसको माहौल मिला हुआ था, जो उसके साथ इन्वायरमेंट था, सपना के साथ बॉन्डिंग थी, वो सब कुछ चेंज हो चुका है। आज वो व्लॉग ही बना रही है, वरना उसके पास मीशो से इतने ज़्यादा कोलैप्स के ऐड आते थे और आते थे, तो वो सब करती रहती थी, तो उसका मन भी लगता था सपना के साथ। अब वो वहाँ पर अकेली हो गई है। दूसरा कि एकदम से चीज़ें चेंज होना, उस पर बहुत सारा परिवार का प्रेशर भी होता है। दूसरा, हम देख सकते हैं कि सपना तो फिर भी कैमरे पर कुछ बोलकर अपनी दिल की बात कह देती है, अंशु वो भी नहीं कह सकती, क्योंकि वो यदि सपना को सपोर्ट करती है तो उसके पेरेंट्स को बुरा लगेगा। यदि वो वहाँ पेरेंट्स के पक्ष में बोलेगी तो सपना को बुरा लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाभी को भी बुरा लगेगा। यदि उसे ऐसा लगेगा कि अंशु चेंज हो चुकी है, तो वो भी तो मतलब यहाँ पर फील करेगी वो चीज़ें। तो अंशु एक छोटी बच्ची है, लेकिन उस पर प्रेशर हद से ज़्यादा है। वो ये कर नहीं सकती ऐसी चीज़ें, ऑन कैमरा नहीं करती सपोर्ट वो सपना को, लेकिन ऑफ कैमरा वो पूरी पूरी कोशिश करती है सपना को सपोर्ट करने की, उसका साथ देने की। हमने देखा भी है कि हमेशा सपना कहती है कि वो थंबनेल अच्छा बनाती है, उसमें भी हेल्प करती है। कोई भी जो उसको प्रॉब्लम आ रही है, और वो कॉपीराइट वाली बात थी, तो भी सपना ने कहा था कि वो अंशु के पास भेज रही थी। वहाँ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो सपना को देती है। दूसरा, अंशु है वो ऑफ कैमरा उसकी पूरी हेल्प कर रही है, लेकिन शायद उसके पेरेंट्स ये सब चीज़ें नहीं चाहते कि वो दिखाए इन सब चीज़ों को। यदि अंशु और सपना बात कर रहे हैं तो वो कैमरे पर नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो अलाउड नहीं करेंगे, तो ना ही तो सपना दिखा पाएगी, ना ही अंशु दिखा पाएगी। तो आप इस चीज़ के लिए अंशु को तो ब्लेम मत कीजिए ना, कम से कम अंशु और सपना का रिश्ता तो एक ऐसा था जो मतलब दिल से निभाया था। वरना हर घर के जितने भी रिश्ते थे, सपना को हर किसी से धोखा मिला है, कोई भी उसका अपना नहीं था। अंशु के बदौलत वो इतने साल निकाल पाई है। राजवीर और सूरज जी के जाने के बाद यदि किसका सपोर्ट मिला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अंशु का था। और अंशु डेली ब्लॉगिंग कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि अंशु की पढ़ाई है, अंशु का नया माहौल है, गांव का माहौल और शहर के माहौल में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर थोड़ा सा काम का अलग था, इतना प्रेशर नहीं था, यहाँ पर काम करने के लिए आती थी, वहाँ पर क्या है, थोड़ा बहुत मम्मी को भी हेल्प करवाना होता है, अपनी स्टडी भी देखनी होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो चेंज हुई है उसके लिए। तो कुछ लोग यहाँ पर है ना, आप भी कमेंट करके उससे चाहते हैं कि वो उनके सास ससुर का ब्लॉग बनाए, या उसकी साइड है ना वो अंशु के ब्लॉग में दिखाए। यदि अंशु उनकी साइड दिखा भी देती है ना, तो इससे कुछ नहीं होना। यदि उनकी साइड होनी होती तो वो पहले ही अंशु को वीडियो बनाकर दे सकते थे, जैसे स्कूटी वाली वीडियो बनाकर भेज सकते हैं वो, तो वो अपनी जो भी बात होती वो कैमरा स्टार्ट करके बोल सकते हैं, ये बात कह देते अंशु अपने चैनल पे डाल, तो वो क्या डालती नहीं। लेकिन उनके पास ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कुछ होती तो जो उनके रिश्तेदार है ना, वो भी व्लॉगिंग करते हैं, वो तो सबसे पहले भाग भाग कर आते, वो भी दिखाते। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनकी कोई साइड ही नहीं है। उनको पता है कि वो गलत है, और गलत चीज़ें दिखाकर वो खुद की बदनामी करेंगे। यदि वो साहूकार बने बैठे हैं ना, तो वो इसीलिए बने बैठे हैं क्योंकि उनकी बात अभी तक रखी नहीं है किसी ने। जिस दिन वो यूँ सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, हमारा साइड तो बस नहीं देखा किसी ने, तो ही सही है, तो जो ना देखे ना तो ही सही है। उस बच्चे पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, जब आप लोगों के कमेंट से सपना तक भी रोने को कगार पर आ गई थी, मरने की कगार पर आ गई थी, तो वो तो छोटी सी बच्ची है, उस पर भी तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है ना। उसको यदि आप कमेंट करके कहोगे, तो एक दिन वो भी सोचने लगेगी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उसको तो अपनी लाइफ जीने दो। जिस एज में बच्चे खेलते हैं पढ़ाई करते हैं, उस एज में वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें सहन कर चुकी है।
तो जो उसकी सिचुएशन है ना उसमें हर कोई बच्चा हैंडल कर भी नहीं पाता। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।